तो गाइस आप लोग ने चिकन के कबाब तो खाए होंगे मेरे हाथ के, हाँ और बीफ के भी खाए होंगे, और अब आप आलू के खा के देखेंगे। अच्छा, तो आज बन रहे हैं आलू चिकन, के आलू कबाब। बिस्मिल्लाह। मज़ेदार। ये देखो, ये है जी हमारे आलू वाले कटलेट, इसको हम टेस्ट करके आपको बताते हैं। ये लगाई हमने चटनी, यहाँ लग गया हमारा केचप। ये देखो बहुत ज़बरदस्त बने हुए, आप लोग भी ट्राई करिएगा और मुझे याद करिएगा। सलाम अलैकुम जी। तो सीन कुछ यूँ है कि भाई अभी अभी जो है ना, हम लोग नाश्ता करके बैठे थे एक दो घंटे पहले, तो अब जो है ना हमारा भूख से बुरा हाल हो रहा है और मम्मा का जो है ना अभी खाने का आता पता ही नहीं है। तो चलिए मम्मा के पास चलते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या सीन है, कब पका के क्या खिला रही हो। हाँ पापा, क्या हुआ? भूख लग रही है यार, बहुत टाइट। तुम तो अभी उठी हो 4 बजे, हम तो सुबह के उठे रहे और शाम के 5-5:30 बज रहे हैं। दोपहर का खाने का पता ही नहीं है भाई। वह खाना खिला दो भाई। पापा की आंतें सूख रही हैं, हम मम्मा से बोल बोल के थक गए, भाई खाना दे दो, खाना दे दो, खाने में क्या बना है। मम्मा का तो अब पता ही नहीं है। चलो चलते किचन में, मम्मा से पूछते क्या बना रही है। हाँ जी मम्मा, क्या बना रही हो आज खाने में, क्या है मामा? कटलेट बना रही हो? सुनार खाने में। गाइस देखो, मम्मा बना रही है कटलेट। हाँ, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। चलो जी, ये कटलेट मम्मा बना रही हैं, तो इसको खाते हैं, टेस्ट करके बताते हैं। और मुझे पता है कि आपको इसकी रेसिपी भी चाहिए होगी, तो पहले मैं टेस्ट करके खा पी के आप लोगों को बता देती हूँ, फिर आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करते हैं। ओके, हो गया। चलो जल्दी से मम्मा ले आओ इसको, जल्दी ले आओ। वेट करते हैं जी अपने नाश्ते का, ठीक है? खाएंगे हम लोग ये कटलेट आलू वाले। हमारे जो खाना है ना वो आ चुका है करीब। आओ दिखाओ हमारे व्यूवर्स को। ये देखो व्यूवर्स, ये देखो, ये देखो जरा। हाँ हाँ, मज़ेदार। ये देखो कैसा निकल रहा है चिकन, कैसी निकल रही है आप देखो। ये है जी हमारे आलू वाले कटलेट, इसको हम टेस्ट करके आपको बताते हैं। ये लगाई हमने चटनी, यहाँ लग गया हमारा केचप। ये देखो क्रिस्पी है, हल्का हल्का स्पाइसी भी है, नमक मिर्च सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ रेसिपी चाहिए ना, तो आप आगे तक देखो। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड फॉर दिस आलू कबाब रेसिपी, ठीक है जी। आगे आप लोगों को इसकी रेसिपी मिलने वाली है, तो जल्दी है चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। भाई यहाँ देखो, ये आलू हैं, ये हमारे स्पाइसेस हैं, ये हमारी चिकन है, और ये हमारी मम्मा, और वो बताएंगे कि क्या कर रही हैं इन सब चीज़ों को लेकर। जी तो गाइस आप लोग ने चिकन के कबाब तो खाए होंगे मेरे हाथ के, हाँ, और बीफ के भी खाए होंगे, और अब आप आलू के खा के देखेंगे। अच्छा, तो आज बन रहे हैं आलू के कबाब, चिकन आलू के कबाब। तो इसके लिए आपको चाहिए होंगे ढेर सारे आलू, 2 किलो आए थे ये, 2 किलो आलू हैं ये, और ये चिकन है, इसके रेशे करने हैं हमने, इसकी हड्डियाँ। चिकन कितनी ली थी? चिकन है 1/2 किलो। आधा किलो चिकन है, उसको हमने बॉईल कर लिया, सिर्फ बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद इसके रेशे रेशे कर लेना आप लोगों ने। और ये स्पाइसेस क्या क्या है, ये चाइनीज़ नमक है, ये चाइनीज़ नमक ले लिया आपने, ये नमक ले लिया आपने, और ये काला नमक ले लिया, ब्लैक पेपर ना, काली मिर्चें ले ली आप लोगों ने, और इसमें क्या है, इसमें है मिर्ची कुटी, कुटी मिर्चें ले ली इसमें, ठीक है। ये आपने चार वो लेने हैं स्पाइसेस, और बाकी चिकन, और ये आपके पास आ गए आलू। देखो रेशे ऐसे करना है आप लोगों ने, चिकन लेनी है, चिकन के पीसेस जो हमने किए हैं, और उसको ऐसे करना है, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दैट। बाकी हम करके बताते हैं आपको। चलो जी जल्दी से उसको कर लेते हैं फिनिश, ठीक है, फिर आपको जो है ना यहाँ के प्रोसेस पे लेकर आते हैं कि कबाब कैसे बने। ओके, हो गया। मसाले डालेंगे तो वो भी हम आपको साथ साथ दिखाएंगे, लेकिन अभी पहले ये कर लें सारा। पहले जल्दी चिकन को कर लेते हैं रेशे, फिर हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे कबाब बनाने का इंशाल्लाह, ठीक है। यहाँ देखिए हम लोगों ने चिकन के रेशे कर लिए, मैंने और मम्मा ने मिल के, देख रहे हो किस तरीके से रेशे किए हैं, जो सूप में डलते हैं सेम वैसे ही किए हैं, ठीक है। और यहाँ जो है ना हमने मंगवाए 6 अंडे, और ये भी मम्मा फेटेंगी, मम्मा ने प्लेट और चमचा भी मंगा लिया फेटने के लिए। और यहाँ हमने मंगवाए हैं पापे, और वैसे हमारे पास ब्रेड क्रम्स नहीं है, तो हम इसका जो है ना क्रम बना के
और इसको अभी दिखाते कैसे चूरा करते हैं। तो अगर आपके पास ना हो तो ईजिली आप पापे मंगवाओ और इसको जो है ना चूरा चूरा कर लो, मतलब इसका क्रम्स बना लो। ये आ गए जी हमारे अंडे और इसका हम पेस्ट बनाने वाले हैं, अभी देखिएगा आप लोग। ये हो जाएगा, दो अंडे लिए हमने, अच्छा चिकन में थोड़ी सी, दो अंडे लिए हैं और चिकन में डाला थोड़ा सा चाइनीज चुटकी भर चाइनीज मसाला, नमक, चाइनीज नमक। अब डालेंगे हम लोग इसके अंदर ब्लैक पेपर, ये रहा हमारा ब्लैक पेपर, ये देखो ये आ गया ब्लैक पेपर। ओके इसको मिक्स कर लेना आपने अच्छे से, ये देखो ओके हो गया। और हम लोगों ने कर लेना है अंडे को फेंट लेना है, ठीक है हम लोग अंडे फेंट लेते हैं जब तक। ये आ गया चुटकी भर, हमने इसके अंदर कुटी मिर्ची भी ऐड कर देनी है बस, ठीक है। और साथ साथ हमने अपना ये मिक्सचर भी मिक्स करते रहना, वहाँ पर भी हमारा मिक्सर मिक्स हो रहा है और यहाँ पर भी। यह हमारा मिक्सचर जो है ना अच्छे से ब्लेंड हो गया, देखो आप लोग कितना अच्छा टेक्सचर आया इसका, देखो। तो भाई यहाँ हमारे आलू का भी मिक्सचर बन रहा है, ठीक है देखो। आलू लेना है आपने, आलू लेके आपने हाथ में और यूं करके एकदम मसल देना अच्छे से, ओके। सारे आलूओं को आपने ऐसे ऐसे अच्छे से इसका भी पेस्ट बना लेना आप लोगों ने, ओके। मैं मम्मा की हेल्प भी करवा रही हूँ साथ साथ, खा भी रही हूँ साथ साथ, चिकन भी खा गई आधी साथ साथ, और ऐसे आलू भी खा गई साथ साथ, सब ये हेल्प हो रही है। यही तो मेरी हेल्प है मम्मा, नहीं करो नहीं उठाओ। ये देखो हमारा ये पेस्ट भी अच्छे से रेडी हो गया, हमारे आलू का मिक्सचर भी अच्छे से रेडी हो रहा है और ये हमारी चिकन भी रेडी हो गई। इसके अंदर सारे हमने मसाले मेकर डाल दिए, टेस्ट मेकर बस, और अब बचे हैं हमारे पापों का क्रम्स। और आलूओं को ज़्यादा गलाना नहीं है भाई, मम्मा आपको टिप्स दे रही है कि आलूओं को ज़्यादा गलाना नहीं, इतना कर लिएगा कि बस फिर हम तल भी लें आराम से। अगर ज़्यादा आप पतला वो कर देंगे ना गल, देखो ये आलू है हाँ। वैसे आलू जो होता है ना वो बहुत जल्दी ही नरम हाँ। हो जाता है, ये देखो ये आप भूनों करके करोगे ना तो ये सख्त हो रहा है, ये देखो ठीक है। तो आपने हाँ। कच्चे पक्के आलू पका लेना हाँ। ज़्यादा फिर अभी फ्राई भी होंगी हाँ, तो फ्राई होने में भी आधे पक जाएंगे, तो आपने कच्चे पक्के पकाने हैं ऐसे, ओके हो गया। तो भाई आप जो है ना बना रहे हैं इसका क्रम्स, ठीक है पापों का क्रम्स बना रहे हैं। हमने एक थैली लेनी है, शापक लेनी है और इसके अंदर डालने हैं पापे, तीन चार पापे ले लो ठीक है, और इसको अच्छे से फोल्ड कर लो और इसके ऊपर जो है ना ये जो है ना सिलबट्टा रखो, ये जो बट्टा होता है उसको रख के इसको अच्छे से ऐसे करो, फुट लगा दो सही से, नीचे से बड़ी मामा आ जाएगी। अच्छे से आप लोगों ने इसकी कुट लगा देनी है। भाई यहाँ देखो मैंने पापों का क्रम्स बना लिया है, ठीक है ये देखो। अब इसको मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखो ये देखो, ये आप कितने महंगे महंगे ख़रीदते हो बेकरी से, और ये देखो मैंने सिर्फ दो मिनट में तैयार कर लिए, दो मिनट या सेकंड्स भी नहीं लगे बनाने में। सर यहाँ पर हमारा टेक्सचर भी रेडी हो गया, मीन्स जो हमने मिक्स किया था आलू का, ठीक है ये देख रहे हो कितना ज़बरदस्त है, चकते चकते में आधे रह गए ये बेचारे। सही है जी, अब क्या करना है इसके बाद, बता रहे खबर करो, खबर करो, बता भी दो, जाओ हसबे जरूरत नमक चाहिए, हसबे जाएगा तो जरूरत है ना। खाना बना रही हूँ, कमेंट्री कर रही हूँ, आप लोग जो भी समझे, मैं तो ऐसे ही हूँ। हाँ तो गाइज मैं आपको एक दफ़ा की बात सुनाऊँ सुन नहीं रहे, काम करो अपना काम करने बैठू, मजाक करने नहीं बैठू, काम कर रही हूँ। हम तुमसे कोई सीरियस स्टोरी सुनाने वाली हैं आप? नहीं नहीं, काम सिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, आप लोग काम सीखे और मुझे एप्रिशिएट करें। क्या करें? एप्रिशिएट स्पेलिंग सुनाना। लोग बोलते हैं ना मुझे भी आता है थोड़ा थोड़ा, स्पेलिंग नहीं आती। एप्रिशिएट बोल तो रहे ना,
तुम लोग की थोड़ा थोड़ी पढ़ी लिखी जाएगी। यार ये मम्मा रोज, ये मम्मा नहीं है, रोस्टर मम्मा है। अरे भाई अनाया ने तंग कर दिया। क्या मम्मा कैसा है? चलो अब हम आपको बनाना सिखाते हैं कटलेट्स की टिक्कियां कैसे बनती हैं। ये देखें जी, ये हमने ले लिया छोटा सा आलू, अब इसको हमने बीच में से ऐसे होल कर दिया। करीब लाइए। हाँ लाइए। आपको नहीं सिखाना। ये देखें इसमें ज़रा सा कुछ काला पीला नज़र आए तो हटा दें आप लोग, फिर आप बोलेंगे गंदी मम्मा है, डर्टी मम्मा है। डर्टी नहीं हूँ मैं। ये देखें मैंने टिक्कियाँ बना ली। अब इसमें मैंने ये चिकन जो है ना, ये मैंने रेशे जो बनाए हुए थे इसके, ये डाल दी। सही। अब ये डालने के बाद इसको ऐसे बंद कर लेना है। हाँ। जैसे आप अपने रिश्तेदारों का मुंह बंद करवाती हैं। हाँ हाँ। वैसे बंद कर लेना है। इन लोगों के ये देखें ऐसे मुंह बंद करें, और चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा टेप लगा दें। हाँ। देखें ये अंदर, फिर आप उनको जैसे बातों में घुमाते हैं वैसे ही घुमा दें। हाँ। अपने हाथों पे ये बना दिया हमने टिक्किया। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे खाएंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे कि अंदर से क्या निकलता है इसके। ओके हो गया। अभी तो पहले प्रोसेस चल रहा है ना, अभी तो बनाने का मेकिंग प्रोसेस चल रहा है, मतलब जब खाएंगे तो इसके अंदर क्या निकलेगा वो अलग बात है। देखिए ये ले ली हमने इसको, अब इसमें हमने ये क्रम्स लगा लिए। ये देखिए अच्छी तरीके से ओके हो गया। सही। अब इस पर हमने अंडा लगा लिया। अंडा लगाने के बाद एक और दफ़ा अंडा लगा लो। अंडा लगाने के बाद फिर से आप क्रम्स में कर लो ऐड। हाँ, ज़्यादा क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाए। इससे फ़ायदा क्या होता है? क्रिस्पी हो जाते हैं। डबल हम कोटेड करेंगे, डबल कोट करेंगे इसका। हाँ। इसको ऐसे करके मिला दो। ओके, अब ऐसे ही हम सारी टिक्कियाँ बनाते जाएंगे और इसको कोट करके रख देंगे फ्रिज में। चलें जी जल्दी जल्दी से हम बना लेते हैं सारी टिक्कियाँ, फिर आपको दिखाते हैं कि आगे क्या सीन है। क्या कहते हो बाबा? कटलेट बनाने की तैयारी। अच्छा जी। तो गाइस जी, हमने फ्राई पैन गरम कर लिया और इसमें डाल दिया एक कप तेल। ओके, और अब इंशाल्लाह हम इसको फ्राई करते हैं। यहाँ से हम उठा लेते हैं अपने कटलेट्स। हो गया क्यों भाई? आप वो कह रहे तलना नहीं, तुम लोग खराब कर दोगे। ये लो कटलेट्स। तो गाइस ये कटलेट्स हैं। हाँ। और ये हमें तलने नहीं आते, ये हमारी बेगम ही तलेगी। ठीक है, ये हमने यहाँ रख दिए, तेल हमने गर्म कर दिया है, बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह हमारे कबाब आ चुके हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। और अब करेंगे इसको हम, क्या करेंगे मामा? फ्राई करेंगे। एटीट्यूड ही नहीं मिल रहा भाई, अभी फेमस होएंगे तो ये हाल है। हो जाओगी तो क्या होगा? अरे भाई मुंह डाली थी चिंता। हाँ भाई चलें, अब इसको करेंगे बिस्मिल्लाह करके फ्राई। यह हमारा तेल बॉयल हो चुका है भाई। एक अंडा या दो अंडे आप लोगों ने ले लेना है, क्योंकि इसको हमने तलने के लिए जो है ना इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसकी कोटिंग की। तो आपने अंडे को ऐसे कर लेना, फेंट लेना जैसे मैंने फेंट के बताया था। माशाल्लाह से हमारे कटलेट्स तैयार हो गए, अब निकाल लिए मम्मा ने सारे। ठीक है, माशाल्लाह ये देखें इसका क्या लुक आया। अब लगाते हैं जी दस्तखान और बैठ कर इंजॉय करते हैं। चल बिस्मिल्लाह। हाँ जो है ना, ये हमारी चटनी है और ये रहे हमारे कटलेट्स। ओके, और ये रही हमारी
सर्विंग प्लेट। यहाँ पापा केचप चटनी निकाल के बैठ चुके हैं। पहला रिव्यूज पापा देंगे आपको, फिर मम्मा देंगी। चलो भाई, आपको पता है मैं अपनी बेगम के बगैर नहीं खाता। अच्छा, मेरी बेगम आएगी तो मैं खाऊँ। आ जाओ मम्मा, आपके शोहर आपके बगैर नहीं खाते, पहले आप आ जाओ। ये देखें, ये देखें गाइस, ये देखें इसके अंदर चिकन। ओह माय गॉश, देख रहे हैं आप वो, इसको मैंने केचप में बिल्कुल डिप कर लिया, डिप कर लिया, और फिर इसके बाद मैंने ये चटनी लगाई। एंटिक एंटिक हो गया यार, वीआईपी। वाओ, चटनी चा मसाला मसाला जबरदस्त। ऐसी तो दो तीन बेगम हो, वीआईपी भाई, मजा आ गया। बाद ये मम्मा के रिव्यूज देंगी। चलो मैं ठीक, मैं चल रही थी ना जरा सा। क्या रिव्यूज तो दो, अपने मुंह में ही गुलगुला रही हो। जाओ चिकन वाला पार्ट से ले लो ना। जबरदस्त, बहुत ज़्यादा भाई। भाई यहाँ सबके खाने पीने चल रहे हैं। हाँ भाई, तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने कबाब के बारे में? बहुत ज़बरदस्त बने हुए, आप लोग भी ट्राई करिएगा और मुझे याद करिएगा। तो गाइज, हमारा और आपका सफ़र यहीं तक का था। आप पी रहे हैं हम लोग चाय, जिस जिसने चाय पीनी है वो हमारे पास आ जाए। और आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट्स में लिखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हाँ। और नेक्स्ट वीडियो कौन सी रेसिपी की बताएं तो लाजमी बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर, हम आपके कमेंट्स का वेट करते हैं। तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।